एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, अथर्ववेद अथ चतुर्थम कांडम, अथर्ववेद का चौथा कांड प्रथम सूक्त प्रारंभ होता है। ऋषि वेन देवता बृहस्पति आदित्य छंद त्रिष्टुप मंत्र संख्या एक। ओम ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं परस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवह सब धन्य उपमा अस्य विष्ठः सतश्च योनिम सतश्च विवः। सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान का प्रकाश होता है। इसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि जीवन मर्यादा संपन्न हो तथा उत्तम रुचि वाला हो। पुरुषार्थ करता हुआ ज्ञानी पुरुष, परम ब्रह्म की उपासना करता हुआ सब लोक लोकांतरों में उस आदि पुरुष परमेश्वर की ही महिमा को देखता है। उस प्रभु परमेश्वर को ही इस जगत का आधार समझता है। उसी परमात्मा से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उस परमात्मा को ही ये ज्ञानी पुरुष इस विश्व का केंद्र या उत्पत्ति बिंदु मानता है। मंत्र संख्या दो। एयम पित्र्या राष्ट्रिये त्वग्रे प्रथमाय जनेषु भुवनेष्ठाः तस्मायेतम् सुरुचम् हवार्महयम् धर्मम् श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे। इस जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए हम वेदवाणी का स्वाध्याय करें। वेद प्रतिपादित यज्ञों को करते हुए उस प्रभु परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। वेद ज्ञान हमारे आसुरी भावों को नष्ट करता है। अत्यंत वृद्धावस्था या मृत्यु के आने पर ही यह स्वाध्याय हमारा बंद होगा। मंत्र संख्या तीन। प्रयो यज्ञे विद्वानस्य बंदुर्विश्वदेवानां जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्नि चरुच्चै स्वधा अभिप्र तस्थौ। ज्ञानी पुरुष इस परम ब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में बांधता है, स्थिर करता है, अपने जीवन को दिव्य गुणों से युक्त बनाता है। उस परम ब्रह्म की उपासना के द्वारा इस परमात्मा से दिव्य ज्ञान वेद ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। हृदय शरीर और मस्तिष्क को उन्नत करता हुआ यह साधक आदि पुरुष परमात्मा की तरफ को बढ़ता है। मंत्र संख्या चार। स ही दिवः स पृथिव्या ऋतस्थामहि क्षेमं रोदसि अस्कभायतः महानमहि अस्कभायद्विजातो ध्याम सद्य पार्थिवं च रजः। पारब्रह्म परमेश्वर ही द्युलोक पृथ्वीलोक को नियम में स्थापित करता है। वो ही सबके कल्याण के लिए इन सबको धारण करता है। वो परम ब्रह्म इन्हें थामे रहता है। इन सब में उसी आदि पुरुष परमात्मा की महिमा प्रदुभावित होती है। उसी परमात्मा की महिमा कण कण में दिखाई देती है, झलकती है। मंत्र संख्या पांच। स बुधन्य दाष्ट्र जनुषो अभ्यग्रम बृहस्पतिर देवता तस्य सम्राट अहर्यच्छुक्र ज्योतिषो जनिष्ठा द्योमंतो वि वसंतु विप्रह। वो परम ब्रह्म परमात्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक
सर्वत्र व्याप्त है, वो ही इस विश्व ब्रह्मांड का शासक है। ज्ञानी लोग सूर्य उदय होते ही उस परम ब्रह्म की उपासना में लग जाते हैं और अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। मंत्र संख्या 6, नूनम तदस्य काव्यो हिनोति महोदेवस्य पूर्वस्य धाम एष यज्ञे बहुभिः साकमित्था पूर्वे अर्धे विशिते ससन्नो। ज्ञानी पुरुष उस आदिदेव परमात्मा के तेज को अपने में प्रेरित करता है, इसी उद्देश्य से यह रात्रि के पूर्वार्ध में निद्रा लेकर उत्तरार्ध में उठ जाता है और परम ब्रह्म की आराधना में लग जाता है। मंत्र संख्या 7, यो अथर्वाणं पितरं देवबन्धुं बृहस्पतिं नमसाव च गच्छात त्वं विश्वेशाम जनिता यथा सह कविर्देवो न भयाद त्वस्व धावान। विनम्रता के द्वारा हम उस परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करें। उस परमात्मा को ही हम सबका उत्पादक, उत्पन्न करने वाला, सर्वज्ञ, सबको सब कुछ देने वाला, सबकी रक्षा करने वाला और अन्नदाता के रूप में देखें। इस सूक्त में ऋषि वेन जो बिजनौर के राजा थे, उन्होंने उस परम ब्रह्म की स्तुति और उसकी महिमा का बखान किया। अथर्वेद के 4th कांड का 1st सूक्त समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।